आधा घंटा कभी विश्राम करते कभी कभी विश्राम करते हैं। नाम संकीर्तन प्रेम सेवा कभी कभी एक आधा घंटा करके वो सो जाते थे, लेकिन कभी कभी उनको भजन करते 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 कभी वो भी समय नहीं मिलता था, वो भी समय नहीं मिलता तो क्या करते थे फिर तो वो भी सोना भी नहीं होता सोना भी नहीं। लेकिन हम लोग कैसे अगर नींद यहाँ पर ठीक से नहीं आएगा, अगर नींद नहीं आएगा तो क्या होगा, फिर हमें शरीर खराब हो जाएगा। अगर हम ठीक ठीक नहीं सोए तो हमारी तबीयत खराब हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि हम लोगों का भजन में अभी हम इतने परिपक्व नहीं, भजन में अभी हम लोग इतना दृढ़ता नहीं है। इसलिए रात को 4-5 घंटा सो भी नहीं, फिर सबर भी नहीं दे आती, लुकनी क्यों आती है, कारण है एक तो हम लेट में खाते हैं और खाते फिर ज़्यादा देर तक खा देते हैं, कई बार ज़्यादा खा लेते हैं, ज़्यादा खाएगा तो शरीर में तो आलस आएगा ज़्यादा। इसलिए कभी कभी वैष्णव लोग क्या करते थे, सूर्य अस्त होने से पहले उठ लेते थे, सूर्य अस्त होने से भोजन कर लेते हैं, शरीर के लिए अच्छा है। फिर अगर रात को पेट ज़्यादा भोजन किया ना तो शरीर में नहीं होगी, क्यों पेट को आलस आएगी। इसलिए कहते सूर्य अस्त होने से पहले अगर खा लो ना फिर ना एकदम सवेरे सवेरे 3-4 बजे उसको पहले नींद खुल जाए, शरीर में एकदम चुस्ती आ जाए, सवेरे भजन करने में आनंद आ गया। अगर ज़्यादा लेट में खाएंगे और ज़्यादा खा लेंगे मिठाई खा लेंगे जो ज़्यादा पी लेंगे हलवा खा लेंगे पनीर शाही पनीर मटर पनीर फिर खाएंगे फिर नींद आएगी। इसलिए रात को ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, रात को कम खाओ, कम खाओगे तो फिर आपको सवेरे नींद खुलेगी, नहीं तो थोड़ा जल्दी खा लोगे तो क्या होगा, फिर तो जल्दी हजम हो जाएगा, सवेरे नींद खुल जाएगी। इसलिए कहते अष्ट प्रहर कृष्ण भजन, 8 प्रहर कृष्ण भजन, कभी कभी थोड़ी देर सहन करते थे, कभी कभी वो भी अपना भजन साधने के लिए कभी कभी कोई नहीं करते। कोई प्रश्न है, अगर हम दिन में अगर 6 घंटा नहीं सोएंगे अब रात में मत सो, सवेरे बैठ जाओ बैठ बैठ के सो जाओ, बोले फिर इनको नींद नहीं आती थी 24 घंटा भजन करते, बोले इनको नींद नहीं आती थी। हाँ कहते थे भक्ति करते करते जब साधकों को भी बहुत ऊँची अवस्था आ जाती है, ऊँची अवस्था आ जाती है, पर उसी समय फिर तो कृष्ण भजन में इतना आनंद है, कृष्ण भक्ति में उनको इतना आनंद है, सोना भी एक तरह का आनंद है, कृष्ण भजन में इतना आनंद है, पर उनको नींद भी उनको कुछ नहीं आती, नींद भी कुछ नहीं आती। और क्योंकि भजन में आनंद, भजन में रस है, इसलिए कहते कबू भक्ति शास्त्र करे में लिखा चैतन्य कथा सुन करे चैतन्य चिंतन, कहते और कभी क्या करते भक्ति रस शास्त्र करे में लिखा। कभी कभी शास्त्र तो ग्रंथ लिखते हैं, सनातन स्वामी विप्र गोस्वामी कितने सारे ग्रंथ लिखे हैं, कितने सारे ग्रंथ लिखे हैं, विप्र गोस्वामी के कितने सारे ग्रंथ, सनातन गोस्वामी की भी बृहद भागवतानुतम है, हरि भक्ति विलास, ये सब इनकी टीका है, इनकी टीका है, इसलिए उनकी बहुत सारे ग्रंथ है। इसलिए ये क्या करते थे भक्ति ग्रंथों को लिखते थे और चैतन्य महाप्रभु कथा को सुनते थे और इसलिए चैतन्य महाप्रभु का चिंतन करते थे, हर समय महाप्रभु का चिंतन और चैतन्य महाप्रभु कथा को बोलते थे हर समय। इसलिए कहते चैतन्य महाप्रभु का चिंतन, चैतन्य महाप्रभु कथा क्यों सुनते थे, कारण कहते साधु पावा बड़ा कष्ट जिबरे जानिया साधु गुरु रूपे कृष्ण आए। कहते चैतन्य महाप्रभु ने देखा कलयुग में साधु मिलना बड़ा ही कठिन, कलयुग में साधु मिलना बड़ा ही कठिन है, साधु मिलना लिसनिंग हाँ कहते कलयुग में साधु मिलना बड़ा कठिन है,
इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, एक भगवान होते हुए भी एक साधु उदाहरण, साधु उदाहरण करते हुए उन्होंने अपना रहन सहन खान पान उन्होंने अपना जीवन उतर, अगर कोई भक्ति करना चाहते हैं उनको कैसे रहनी चाहिए, कैसे खानी चाहिए, कैसे सोनी चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, उन्होंने अपना जीवन उतारा, अपना जीवन में उतार कर हुए उन्होंने एग्जाम्पल दे करके समझाए। भूल गए कौन कौन भूल गए, वहाँ पर देखना महाप्रभु जिस रूप में रहते थे उसका नाम गंभीर है, उसका नाम गंभीर है, देखना कितने महाप्रभु कितने लंबे चौड़े महाप्रभु कितने बड़े, लेकिन जो रूप में महाप्रभु रहते थे कितने छोटा थे, कितने छोटे घर में महाप्रभु रहते हैं, और महाप्रभु जो भोजन करते थे महाप्रभु बोले कितने पीठा बना, पीठा बना करते कितने बढ़िया बढ़िया रसमलाई लेडी चमचम इतने बढ़िया बढ़िया मिठाई क्या करो सब भक्त लोग, और मेरे को क्या करो उन्हें लाकड़ा कर, लाकड़ा समझते हो गड्ढे का सब्जी सब मिक्स कर, हाँ सब मिला करके जो एक सब्जी बनाते हैं उसको मेरे को दे दो, अन्न मेरे को दे दो और यही सब्जी दे दो, और भक्त लोग को ना बढ़िया 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 प्रसाद भक्त लोग, इसलिए महाप्रभु एक साधक को शिक्षा देने के लिए महाप्रभु ने ये सब लीला महाप्रभु ने किया है, ये सब लीला महाप्रभु ने किया है, इसलिए महाप्रभु की कथा बोलते थे और महाप्रभु की कथा को चिंतन करते थे, महाप्रभु की कथा और एक कथा सुनी महान तेरा महासुख है, चैतन्य ने कृपा करे ताहि की विस्मय। यहाँ पर कह रहे हैं कि जितने भजन पद्धति यहाँ पर बताए कैसे कैसे भजन करते थे महाप्रभु का भक्त लोग, क्या इसको सुन करके बड़े प्रसन्न होते हैं, बोले कौन प्रसन्न होते हैं, महंत, महंत मतलब क्या, जो भजन करने वाले जो भक्ति करने वाले अगर इस बात को सुनते हैं ना उनको बड़ा आनंद लगता है, भैया हम भी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे, हम भी ऐसे 26 घंटा में 26 घंटा हम भी ऐसे भजन करेंगे, ऐसे हरिनाम करेंगे, ऐसे कीर्तन करेंगे, आपस आपस में हरि चर्चा करेंगे, सीधा सदा खाएंगे, सीधा सदा पहनेंगे, और 26 घंटा क्या करके भगवान जी की भगवान जी की प्राप्ति करेंगे, ठीक है। इसलिए फिर इसको सुन करके जो भक्त लोग होते बड़े खुश होते हैं, मतलब बड़े खुश होते हैं, क्योंकि हमें भी ऐसी भक्ति करनी चाहिए, मतलब चैतन्य ने कृपा चाहे पाए थी इस पर, लेकिन ये लोग जो ऐसे भजन करते थे कभी कोई आश्चर्य की बात नहीं, मतलब क्यों, मतलब जिसको पर श्री चैतन्य महाप्रभु का ध्यान, जिसको पर श्री महाप्रभु कृपा हो जाए ये कोई बड़ी बात नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, चैतन्य कृपा को लिखी आचरण अपन रसामृत सिंधु ग्रंथ मंगलाचरण, कहते ये पाठ को सिंधु गोस्वामी जब भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ को लिखे कहते उसकी मंगलाचरण श्लोक में एक उन्होंने श्लोक लिखा है, बोले हृदय जस प्रणया प्रवर्ति तो अहम बरात रूप भी तस्य हरि पद कमल वंदे चैतन्य देवस्य, कहते हम श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों को हम वंदना करते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों को हम वंदना करते हैं, बोले क्यों, कहते श्रीमन महाप्रभु कहते हम लोग में तो अत्यंत अत्यंत कांगाल है, मैं अत्यंत कांगाल है, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, मेरे हृदय में सब कुछ उन्होंने प्रेरणा किया है, प्रेरणा करते हुए कहते भक्ति ग्रंथ रचना में हमें प्रवर्तक, भक्ति ग्रंथ में हमारे ऊपर में प्रवर्तक किसने क्या, श्री सच्चिदानंद गौधरी महाप्रभु ने मेरे ऊपर में कृपा की, हृदय में सब कुछ उन्होंने पूर्ण कराया,
इसलिए यहाँ पर जिले प्रभुपाद कहते हैं, खुद प्रभुपाद कहते हैं जैसे भक्ति ग्रंथ लिखना भी एक भक्ति है, भक्ति ग्रंथ का जो लिखा लिखते हैं इसको बृहद बृहद मृदंग बताए। जैसे चैतन्य चरितामृत लिखे कृष्णदास कविराज गोस्वामी, तभी तो हम ग्रंथ को पढ़ गए ना, अगर वो ग्रंथ नहीं लिखते हम कहाँ से पढ़ते, हम पढ़ नहीं पाते। इसलिए कोई कोई सहजिया लोग क्या कहते हैं, अरे ये सब ग्रंथ ग्रंथ लिखना पढ़ना ऐसा कोई जरूरत नहीं, केवल मलाल करके क्या करो, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे, भजन करो। ये ग्रंथ ग्रंथ लिखना पढ़ना कुछ करने का जरूरत है, थोड़ा सारा दिन मलाल ना कर सकता नहीं। भक्ति ग्रंथ लिखना भी एक भक्ति का अंग है, इसलिए इसको कहते हैं भक्ति जो ग्रंथ लिखना पढ़ना प्रचार करना ये एक भक्ति की अंग है, सब चीजों करनी चाहिए। भक्तिमन ठाकुर गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जी गोस्वामी, इन लोगों ने क्या प्रचार भक्ति ग्रंथ को रचना किया और हम लोगों को दिया है। इसलिए यहाँ पे कहते हैं ये भी एक भक्ति की अंग है, ये एक भक्ति की अंग है। इसलिए बोले एक भक्त सदी प्रयाग करिया श्री रूपे शिक्षा जिला शक्ति संचारी। इसलिए श्रीमद महाप्रभु प्रयाग में 10 दिन रुके, 10 दिन रह कर उन्होंने श्री रूप गोस्वामी को उन्हें शक्ति संचार कर दिए, तो उन्हें सब कुछ उनको शिक्षा दिया है। इसलिए इसलिए ततान रूपे, ततान मतलब उनका विस्तार करना, जैसे कृष्ण ब्रह्मा जी के हृदय में सब कुछ उनके स्फूर्ति कराए, उसी तरह यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी के हृदय में उनने सब कुछ उनके स्फूर्ति कराए, शक्ति प्रदान करके सब कुछ उनके हृदय में स्फूर्ति कराए। इसलिए इसलिए गुरुदेव कहते हैं कहते श्री प्रयाग में महाप्रभु को प्रेम के जो भंडार थे ना, प्रेम का जो भंडार है, कहते भगवान ने क्या किया, चाबी काटी उन्होंने, सबको नहीं दिया, इसको दिया श्री रूप गोस्वामी का, इसका चाबी काट दे दिया, लोग कृष्ण प्रेम भंडार का चाबी काट के मिले। जैसे पिताजी का कोई बढ़िया बिजनेस है, वो कोई बढ़िया बिजनेस है, पिताजी चाबी काट के ट्रेजरी का चाबी काट के सबको सबको देगा, नहीं देगा, किसको देगा, जो ये बिजनेस को सही से चला सकता है उसको देगा। उसी तरह महाप्रभु कृष्ण प्रेम भंडारा का चाबी काट के इसको दिया श्री रूप गोस्वामी जो दिया, लो ये भंडार का चाबी काट के तुम लो, है इसको तुम संभालो और जीव को तुम खोल कर ये प्रेम भी तुम प्रदान करो। तब श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं बोले सुन रूप भक्ति रस्य लक्षण सूत्र रूपे कही विस्तार ना जाए वर्णन। महाप्रभु कहते हैं रूप गोस्वामी भक्ति रस का लक्षण सुना, भक्ति रस का लक्षण सुना, बोले क्यों, बोले सूत्र रूपे कही विस्तार ना जाए वर्णन, भक्ति रस शास्त्र इतना है, भक्ति रस इतना विस्तृत है, कहते जैसे पक्षी जन आकाश का अंतर ना होता है, जैसे कोई भी चिड़िया जैसे आकाश है, इसका कोई आर पार है, कोई इसकी आर पार नहीं, जैसे कि चिड़िया आकाश की कोई आर पार नहीं देखता है, जितना तुम्हारी पंखे में ताकत है ना, जितने तुम्हारी पंखे में ताकत उतना ताकत सब जितना बोलो जितना हो सकता है बोलो, है उसी तरह जो भक्ति रस है वो एक अपार पार जिसका कोई थार नहीं, जिसका कोई आर नहीं, किसी चीज का पार नहीं, जिसका कोई प्रारंभ नहीं, जिसका कोई शेष नहीं, लेकिन कहते उसको विस्तार से वर्णन नहीं किया जा सकता है,
इसलिए यदि आहार सुन्न कंठ पत्र रसिंधु तो मां चाहता है कि तहार घर के भेजो यदि जिसका कोई आर पार नहीं भक्ति रस समुद्र जैसे लेकिन मैं तुम्हें एक बूंद चखा भक्ति रस का एक बूंद में तुम्हें एक बूंद चखवा हैं। तो उन्होंने बड़े सुंदर महाप्रभु ने बड़े सुंदर बात से रूप गोस्वामी को बोले जिसको कहते हैं रूप शिक्षा जिसको कहते हैं रूप शिक्षा। इसलिए गुरुदेव कहते हैं चैतन्य चरितामृत में विशेषकर पांच टपी है जो बड़े महत्वपूर्ण है जो बड़े महत्वपूर्ण टपी है एक है श्री रूप शिक्षा दूसरा है श्री सनातन शिक्षा तीसरा है श्री राय रामानंद संवाद महाप्रभु और राय रामानंद के अंदर में जब वार्तालाप हुई चौथा है रथ यात्रा और पंचमा है श्री सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ में महाप्रभु की जो डिस्कशन हुई सार्वभौम के साथ में महाप्रभु का जो डिस्कशन हुई। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि जो पांच चैतन्य में ये पांच टपिक बड़े महत्वपूर्ण हैं और भी बहुत कुछ है हैं लेकिन ये पांच टपिक विशेष है और जिसमें एक ऐसे रूप शिक्षा महाप्रभु श्री रूप गोस्वामी को बड़ी सुंदर उन्होंने भक्ति की शिक्षा दिया उन्होंने शिक्षा क्या दिया हैं बोले एक वर्त ब्रह्मांड भरी अनंत जीवगण 84 लाख जनिते करे भ्रमण कहते एव तो ब्रह्मांड भरी अनंत जीव कहते संसार में इतने जीव है इतने जीव है। तब उन्होंने कहते हैं जैसे धूल कणा को नहीं गिन सकते जैसे बारिश का बूंद को कोई नहीं गिन सकते कहते उसी तरह जगत में इतने जीव है जिसको गिनना असंभव है जिसको गिनना असंभव देखो ये बोतल में पानी क्योंकि पानी में इतने बैक्टीरिया हैं इतने बैक्टीरिया हैं पानी में पृथ्वी में इतने इंसान हैं पृथ्वी में इतने इंसान भी पृथ्वी में नहीं इतने इतना पानी में इतने बैक्टीरिया हैं इतने बैक्टीरिया इसके अंदर तो समझो जगत में कितने जीव हो लेना एक शरीर में सड़ जाते हैं कितने कीड़े पड़ जाते हैं उसमें कितने गणित कीड़े पड़ जाते हैं जब शरीर में सड़ जाते हैं। इसलिए जगत में कितने जीव इतने जीव जगत में जिसका कोई गणना नहीं कर सकते हैं ऐसे क्या कर रहे हैं जीव बोले 84 लाख जन से बड़े भ्रमण ये जीव भगवान से विमुख होकर के ये 84 लाख ध्वनि में भ्रमण कर रहे हैं बोले भाई 84 लाख ध्वनि क्या किया है क्या किया याद है इसको अच्छुत 84 लाख दिन कौन सा बोल सा याद है बता कौन सा कौन सा ध्वनि में जीव संसार में भ्रमण करते हैं 84 लाख दिन कौन सा है 23 लाख स्थावर जंगम है 9 लाख जलचर है और दो लिखा था वो भी और इसलिए एक श्लोक ये श्लोक को याद कर लेना अगर एक श्लोक को याद कर लो ना फिर तो क्या होगा कौन सा जन्म कितना कितना है ये तुमको पता चल जाता है ठीक है ये श्लोक को तुम लोग भी याद कर लेना हैं कहते जलजा नवलक्षाणी नला पानी जन्म लेना बोले स्थावरा लड़क सती कहते स्थावर में कहते 20 लाख बोले त्रिमयो दुर्जर सक्षम कर कितने कीड़े मकड़े याद ला रहे बोले पखिया 10 लाख कम चिड़िया 10 लाख बोले 30 लाख पसव जानवर 30 लाख बोले 34 लाख मानसा और 4 लाख इंसान ऐसे मिला करके लिए 84 लाख जन्म हो गए। इस श्लोकों को कल याद करना ठीक है याद करना साधु याद से लिख करके श्लोक ले लेना बहुत बहुत बढ़िया श्लोक है।
इसलिए कहते ऐसे जीव ये 84 लक्ष ज्वनि में ये अनंत जीव इसमें भ्रमण करते हैं, अनंत जीव इसमें भ्रमण करते हैं। लेकिन बल्कि सागर सत्तर भाग पूर्ण सत्तर भाग करी तार समस्म जीव स्वरूप विचार कहते जीव का स्वरूप कैसे है। उदाहरण जैसे बाल है, बाल का अग्र भाग को बाल का जो अग्र भाग को 100 भाग कर दो, कहते बाल के अग्र भाग को कहते उसको 100 भाग कर दो, फिर कहते हैं 70 भाग को उसका जो एक भाग हो गया और एक भाग को 70 भाग कर दो, 70 भाग कर दो। कहते जो सूक्ष्म होता है कहते जीव का जो स्वरूप इतना छोटा है, इतना छोटा जीव का स्वरूप, इसलिए हम जीव को इन आँखों से ये जीव को हम इसलिए देख नहीं सकते। क्यों? पर इतना छोटा इतना छोटा इतना छोटा है, बाल का अग्र भाग इतना छोटा होता है, कितना छोटा होता है, तो उसको 100 भाग कर और उसको फिर 100 100 100 भाग कर कुछ पता ही नहीं चलेगा। इसलिए इतने जीव सूक्ष्म है, इसलिए इन्हीं आँखों से हम जीवों को दर्शन कर सकते। ठीक है, मिठाई गौर करते हरी हरी बोल। उसको बाद में महाप्रभु क्या कहते हैं फिर हम कल सुनेंगे महाप्रभु क्या कहते हैं। हरे कृष्ण एंड देयर वन स्लो वेरी गुड स्लो वेरी नाइस स्लो वी ट्राई एवरीबडी रिमेंबरिंग दिस स्लो जलजा नवलक्षाणी इफ यू आर नोट पे एंड नोट राइट देयर Did he write there? Hare Krishna, did you have this law? Yes, I did. Okay, you're going to try to remember me. Very nice. Call the one and say it. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna.